अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। प्रॉपर्टी की दुनिया से आपका दोस्त फैसल जाहिद आपकी खिदमत में हाजिर है। आज तारीख साज दिन था लाहौर स्मार्ट सिटी के हवाले से, क्योंकि आज लाहौर स्मार्ट सिटी में 3.5 मरला की एलोकेशन थी, यानी कि जिनके पास राइट ऑफ सिलेक्शन की स्लिप थी उन्होंने आज अपने मर्जी का प्लॉट सेलेक्ट करना था। सुबह 11 बजे से ऑनवर्ड पोर्टल के ऊपर सिलेक्शन स्टार्ट हुई, तो यकीन माने कि आज वाकई बड़ी खुशी हुई, क्योंकि ये एक छोटा बैलेट था, सिर्फ 3.5 मरला ही इसके अंदर कॉल कर रहा था और बहुत सारे ऐसे कस्टमर थे जो कि इंतजार कर रहे थे कि 3.5 मरला का बैलेट कब होगा, कब वो अपनी राइट ऑफ सिलेक्शन पर प्लॉट लगा सकेंगे। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप सबसे रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें ताकि आपको मेरी हर आने वाली नई वीडियो बर वक्त मिलती रहा है। तो जी, मैं आज खास तौर पर लाहौर स्मार्ट सिटी मैनेजमेंट को अप्रिशिएट करना चाहता हूँ कि आज जितना स्मूथली उन्होंने इस प्रोसेस को कंप्लीट किया, बिल्कुल भी लैग नहीं आया, बिल्कुल भी किसी किस्म का ऐसा किसी को प्रॉब्लम फेस ना करनी पड़ी कि उनका पोर्टल ओपन नहीं हो रहा या वेबसाइट उनकी जो है थोड़ी सी जाम हो गई है, या जो भी आप समझ सकते हैं कि लास्ट टाइम जितना बड़ा एक बैलेट था उसके अंदर काफी सारे ये इश्यूज आए थे। लेकिन इस बार लाहौर स्मार्ट सिटी ने मैनेजमेंट को, मतलब मैं दाद देना चाहता हूँ कि उन्होंने बड़े ही स्मूथली तरीके के साथ इस पूरे प्रोसेस को मैनेज किया और 3.5 मरला की सिलेक्शन को कंप्लीट करवाया। बहुत ही सारे लोग इंतजार कर रहे थे कि लाहौर स्मार्ट सिटी कब 3.5 मरला का बैलेट करेगा। फाइनली कुछ दिन पहले लाहौर स्मार्ट सिटी ने जो सेकंड फेज है उसका नक्शा जारी किया, ये आप स्क्रीन में देख सकते हैं। ये सेक्टर B और सेक्टर C के अंदर 3.5 मरला फॉल कर रहा था। एक छोटा सा टेक्निकल एरर देखने में आया ड्यूरिंग सिलेक्शन कि कुछ लोगों ने सिलेक्ट तो कर लिए प्लॉट, लेकिन जब वो अपनी लोकेशन को देखने जाते थे तो लोकेशन होल्ड की ऑप्शन आती थी। मैं इस बात के ऊपर भी लाहौर स्मार्ट सिटी को दाद देता हूँ कि उन्होंने ये जो एरर था बहुत ही जल्द जो है रिमूव किया और लोगों की परेशानी जो है खत्म की। असल में मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि जब लाहौर स्मार्ट सिटी का बेसिकली एक ये पूरा एक सिस्टम है, सिस्टम के अंदर जब आपके ऊपर कुछ ओवर ड्यू अमाउंट आती है तो फिर ये आपकी जो लोकेशन है वो होल्ड हो जाती है। तो इस वजह से शायद कुछ लोगों ने शुरू के दिनों में बुकिंग कराई थी जब 3.5 मरला लॉन्च हुआ था, तो इस वजह से उनकी उनके ऊपर काफ़ी ज़्यादा आउटस्टैंडिंग थी, जिसकी वजह से जब उन्होंने सिलेक्शन किया तो सिलेक्शन के बाद होल्ड की ऑप्शन आ गई, लोकेशन होल्ड की। तो जिसकी जो काफ़ी सारे लोग इस बारे में परेशान भी हो गए, बहुत सारी कॉल मुझे भूल हुई तो उन्होंने हमसे पूछा, सवाल किया कि भाई ये मसला हुआ है, तो हमने मैनेजमेंट से रब्ता किया। मैनेजमेंट की तरफ से ये जवाब है कि ये मसला कोई इतना बड़ा नहीं है, इंशाल्लाह ये जल्दी सॉल्व हो जाएगा। असल में ये सिस्टम का एरर है कि सिस्टम ही इस चीज़ को अलाउ नहीं करता कि आपके पास आउटस्टैंडिंग ड्यूज हो और आप लोकेशन सेलेक्ट कर लें। लोकेशन तो बहाल उन्होंने सेलेक्ट कर ली, लेकिन उसके बाद होल्ड की ऑप्शन आई, लेकिन मेरा ख्याल विद इन 15 to 20 मिनट्स ये जो एरर था लाहौर स्मार्ट सिटी की तरफ से रिजॉल्व कर दिया गया और लोगों को दोबारा से हम लोगों ने जब बताया कि भैया आप अपनी लोकेशन चेक करें तो इंशाल्लाह आपको किसी किस्म की जो है परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा। और हुआ भी बिल्कुल ऐसे ही कि लाहौर स्मार्ट सिटी के जो कस्टमर लोकेशन लगा चुके थे बट उनकी लोकेशन होल्ड आ रही थी, बट उन्होंने कुछ 10 से 15-20 मिनट बाद जब रिफ्रेश करके अपने पोर्टल में जाके प्रॉपर्टी की इनको चेक की तो वहाँ पर उनके प्लॉट नंबर जाहिर हो गए। मैं इस सारे प्रोसेस को इस तरह से देखता हूँ कि लाहौर स्मार्ट सिटी मैनेजमेंट ने बहुत ही कमाल महारत के साथ स्मार्ट तरीके से इस सारे सिस्टम को जो है मैनेज किया, और ये एक अब समझ लें कि ट्रेंड बन गया है कि ये स्मार्ट तरीके से आप लाहौर स्मार्ट सिटी में अपना प्लॉट सेलेक्ट कर सकते हैं। इसके बाद कॉपीकैट्स तो बहुत सारे लोग आएंगे जो इस तरह के प्रोसीजर को फॉलो करेंगे, बट ओरिजिनल जो है ये ट्रेंड लाहौर स्मार्ट सिटी ने ही जनरेट किया है कि आप घर बैठे अपने सोफे पे, बेड पे बैठे, इजीली चेयर पे बैठे, आप अपने मोबाइल से, अपने लैपटॉप से अपनी मर्जी का प्लॉट नक्शे पे थोड़ा सा वर्किंग करके रखें और पोर्टल के जरिए अपनी मर्जी का प्लॉट सेलेक्ट कर लें। तो आई सल्यूट लाहौर स्मार्ट सिटी मैनेजमेंट के उन्होंने इस सारे प्रोसेस को बहुत ही स्मूथ रखा हुआ है और एक ट्रेंड चलाया कि आप इजीली स्मार्ट वे से अपनी जो है सिलेक्शन को घर बैठे ही बआसानी कर सकते हैं। मैं आप सबसे एक ये मैसेज देना चाहूँगा कि अगर बहुत सारे लोगों को अभी भी मैप की अंडरस्टैंडिंग नहीं है, चूँकि लोगों ने बहुत सारे लोगों ने अच्छी लोकेशंस मार्क कर ली हैं लेकिन उनको लग नहीं, समझ नहीं आ रहा कि मैप एक्चुअली कहाँ है, तो स्क्रीन पे मेरा नंबर दर्ज है, आप मुझसे रब्ता कर सकते हैं, मुझसे आप अपनी प्लॉट डिटेल शेयर करें, मैं आपको इंशाल्लाह मैप पे मार्क करके ये सारी आपकी इन्फो जो है प्लॉट की बता दूंगा कि नक्शे पे ये प्लॉट आपका कहाँ आया है। मैंने खुद ज़ाती तौर पर कई लोगों के ट्रस्ट के बुनियाद पर मैंने बहुत सारी लोकेशनें मार्क की
और वेरी सरप्राइज कि आज मैंने तकरीबन 50+ से ज़्यादा जो है लपेशने मार की, और उसमें से मुझे 27 से ज़्यादा, ऑलमोस्ट 27 तक मैंने कॉर्नर प्लॉट, पार फेसिंग प्लॉट एज पर क्लाइंट रिक्वायरमेंट मैंने अलॉट करवाए करवा के दिए। इस पर मैंने काफ़ी अप्रिसिएशन भी रिसीव की अपने क्लाइंट की तरफ से, और मुझे खुद भी बड़ी खुशी हुई कि लोग इन्वेस्टमेंट करते हैं और चाहते हैं कि उनका जो प्लॉट है बेस्ट से बेस्ट लोकेशन पे हो, जो कि कुछ मेरे थ्रू हो, कुछ उनकी अपने एफर्ट से ये मुमकिन हो सका। फिलहाल अभी अपने दोस्त को इजाज़त दें, वीडियो को अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें ताकि आपके पास मेरी हर नई आने वाली वीडियो मिलती रहा करें। अल्लाह हाफिज़।